आखिर ये ट्रेन की छत पर गोल गोल क्या है, ये किस लिए लगाए गए हैं? ऐसे ही ट्रेन से जुड़े बहुत से तथ्य हम आपको बताने वाले हैं। आपने अपनी जिंदगी में एक बार तो ट्रेन का सफर जरूर किया होगा। ट्रेन का सफर आरामदायक तो है ही, साथ में लंबी दूरी के लिए बहुत ही अच्छा साधन भी है। इसमें समय कम लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बों पर गोल आकार का यह डिजाइन क्यों बनाया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के कोच की छत पर गोल प्लेट की आकृति को रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है। जब ट्रेन के डिब्बों में यात्रियों की संख्या अधिक हो जाती है तो गर्मी बढ़ने लगती है। इस गर्मी या घुटन को दूर करने के लिए ट्रेन में वह व्यवस्था की जाती है। जिस तरह ट्रेनों की छतों पर ये ढक्कन लगे होते हैं, वैसे ही कोच के अंदर जाली लगी होती है जो इससे जुड़ी रहती है। कुछ ट्रेनों के कोच में जाली की जगह छोटे छोटे छेद बने होते हैं। आपको बता दें कि इन जालियों से ट्रेन के अंदर में उमस बाहर आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाप या उमस खिड़कियों से क्यों नहीं निकलती। दरअसल भाप या उमस एक तरह की गर्म हवा होती है। विज्ञान के मुताबिक गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इसलिए यह हमेशा ऊपर की ओर उठती है। ट्रेनों की छतों पर रूफ वेंटिलेशन का काम न केवल उमस को बाहर निकालना होता है, बल्कि इनके ऊपर ढक्कन लगाने की एक और वजह भी है। दरअसल बारिश के समय इन ढक्कनों की वजह से पानी कोच के अंदर नहीं आता, जबकि सफोकेशन आसानी से बाहर निकल जाता है। बात करेंगे आखिरी डिब्बे पर क्यों होता है क्रॉस का निशान। इसी तरह आपने देखा होगा कि ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे क्रॉस का निशान बना होता है। इस क्रॉस के निशान का मतलब है कि ट्रेन का ये आखिरी डिब्बा है। इसे देखकर स्टेशन मास्टर समझ आता है कि पूरी ट्रेन सही सलामत चली गई है। क्रॉस के अलावा कई बार LV लिखा होता है, इसका अर्थ है लास्ट व्हीकल यानी आखिरी डिब्बा। अगर स्टेशन मास्टर को ये दोनों चीजें नहीं दिखाई देती तो वो इसकी जानकारी तुरंत अधिकारी को देते हैं। दोस्तों ये थी ट्रेन से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।